हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करेंगे एक्सेलरेशन प्रिंसिपल्स। देखो, जो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल है ये मैथमेटिक्स से बोरो किया गया है। इसका अर्थ होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इकोनॉमिक्स के अंदर जो एक्सेलरेशन है इसका अर्थ होता है कि अगर हमने 1 रुपये कमाना है तो उसके लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। फॉर ए प्रोडक्शन वर्थ ऑफ 1 रुपी हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड। इसको हम कह सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कैपिटल टू द चेंज इन इनकम, जिसको हम मैथमेटिकली ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि डेल्टा के जो है डेट इज़ द चेंज इन कैपिटल ड्यू टू चेंज इन इनकम या चेंज इन आउटपुट। डेल्टा वाई जो है चेंज इन इनकम है। अगर हमने आउटपुट इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो उसको हम एक्सेलरेशन कह देते हैं। जैसे मान लो अगर हमने 1 रुपये की आउटपुट इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए हमें 5 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, तो 5:1 हो जाएगा। इसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। ये हमें बताता है नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करती है फाइनल आउटपुट के अंदर चेंजेस कितनी आती हैं। देखो, जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है वो रिप्लेस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट इन्वेस्टमेंट होती है। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट वो होती है जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है जो डेप्रिसिएट हो जाती है और जिसको कुछ समय के बाद हमें रिप्लेस करना पड़ता है। ये जो एक्सेलरेशन का प्रिंसिपल था इट वाज गिवन बाय एफलाटीनियन इन 1907। उसके बाद इसको बेकर डाइट ने 1914 के अंदर, बाय क्लार्क ने 1917 में दिया। इसको जो पॉपुलरिटी मिली है हैरिट की थ्योरी ऑफ ग्रोथ के अंदर और हिक्स की थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल के अंदर। जो सैमुएलसन है उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर दिया है। अब देखो, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एक्सेलरेशन को कि अगर हमने 1 रुपये कमाना है तो उसके लिए हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी पड़ेगी एज द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट इंक्रीज इन सेल्स। या हम इसको ये भी कह सकते हैं एक्सेलरेशन कोफिशिएंट इज़ द रेशियो बिटवीन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। देखो, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है कि जब हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमने इतने पैसे कमाने हैं, इनिशियल चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो, अगर हमने 1 रुपये की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर चेंजेस आती हैं तो वहाँ पर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर कितनी चेंजेस आती हैं। जैसे मान लो अगर 1 रुपये की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर वृद्धि होती है और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट 4 पैसे इंक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेटर जो होगा 4:1 होएगा। और जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करती है कि फाइनल आउटपुट के अंदर कितनी चेंजेस आती हैं। अब हम देखते हैं इसकी अजम्पशन। जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन है ये कुछ मान्यताओं के ऊपर बेस्ड है। एक तो जो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री है उसके अंदर कोई सरप्लस कैपेसिटी नहीं है, जितनी डिमांड है उसके मुताबिक वो पूरी अपनी क्षमता पे काम कर रही है, और अगर एडिशनल डिमांड है तो उसके लिए उनको एडिशनल कैपेसिटी चाहिए। यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है कांस्टेंट है। डिमांड के अंदर जो चेंजेस आती है परमानेंट होती है, टेम्प्रेरी नहीं होती, और फर्म जो है जब डिमांड में चेंजेस आती है तो जिसकी वजह से वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना चाहती हैं। और यहाँ पे जो हमारा कैपिटल इक्विपमेंट है वो हमें एक ही बार परचेज़ करना पड़ता है। ये नहीं है कि हर साल हम थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते रहें। अगर मुझे कोई मशीनरी चाहिए, मतलब जिसकी लाइफ जो है 5 सालों की है, तो मुझे फर्स्ट ईयर में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री है वहाँ पे सरप्लस है, वहाँ पे अगर हमें मशीनों की डिमांड पड़ती है तो वो प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री उसको मीटअप कर सकती है, और बड़ी आसानी के साथ क्रेडिट अवेलेबल है। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्न जो है प्रिंसिपल अप्लाई करता है, और सोर्सेज जो है जितने चाहिए उतनी मात्रा में अवेलेबल होते हैं। अब देखो, इसका जो फार्मूला है डैट इज़ W इज़ इक्वल टू, W जो है डैट इज़ द एक्सेलरेशन, डेल्टा K डिवाइडेड बाय डेल्टा Y। डेल्टा K जो है चेंज इन कैपिटल है, डेल्टा Y जो है चेंज इन इनकम है, और डेल्टा K को हम ये भी कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट। I जो है नेट इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे देखो इसको हमने लिख दिया W इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। और चेंज इन इनकम जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इनकम इन T पीरियड माइनस इनकम इन टी माइनस वन पीरियड। अब देखो, हम जो एक्सेलरेशन का प्रिंसिपल है उसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे हमने कुछ अजम्पशन लिए हैं कि अगर हमने 1 रुपये
का आउटपुट इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए हमें 3 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो जो है 3:1 है, W जो है 3 है, डेप्रिसिएशन जो है 20% है। जो 20% कैपिटल है ये हर साल डेप्रिसिएट हो जाती है, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होती है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस नेट इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि एक्सेलरेशन एग्ज़ाम के अंदर, देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एग्ज़ाम में आपने ये वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस करना होता है, लिखना होता है, ये सारा कुछ जो है आप उसको एक्सप्लेन करोगे। देखो यहाँ पे हमारा जो है हमने अजम्पशन ली है कि हमारा जो क्या कहते हैं एक्सेलरेशन प्रिंसिपल है डैट इज़ इक्वल टू 3y। इसका मतलब है कि जितना आउटपुट हमने बनाना है उसकी 3 गुना हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखो फर्स्ट पीरियड के अंदर क्या है कि हमारा आउटपुट जो है 500 है, हमें टोटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड है 3 × 500, और यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन जो है 1/5 है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी 1500 की मशीनरी है उसका 1/5 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे 300 जो है हर साल डेप्रिसिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें 300 जो है रिप्लेस करना पड़ेगा। और फर्स्ट पीरियड के अंदर नेट इन्वेस्टमेंट 0 है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है विच इज़ इक्वल टू रिप्लेस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है डैट इज़ इक्वल टू 300। अब उसी तरह इस सेकेंड पीरियड के अंदर क्या है, देखो यहाँ पे ये रिप्लेस डिप्रिसिएशन लिखा हुआ है, ये बेसिकली रिप्लेस्ड इन्वेस्टमेंट है। उसी तरह देखो सेकेंड पीरियड के अंदर क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट है देखो ये अब 10 से इंक्रीज हो गया, 500 से ये 510 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, 510 × 3, और 1530 का जो डेप्रिसिएशन है डैट इज़ 316। तो यहाँ पे जो हमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ड्यू टू डेप्रिसिएशन वो है 306। और देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट कितना चेंज हुआ, 1500 से 1530, तो ये 30 का जो डिफरेंस है ये हमारी नेट इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 336। उसी तरह थर्ड पीरियड के अंदर देखो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है जो हमारा आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो गया 525। तो यहाँ पे 3 × 525 1575 आ जाएगा, और उसी तरह डेप्रिसिएशन जो है 315 आ जाएगी। और जितनी डेप्रिसिएशन होती है उतनी ही हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो रिप्लेस करनी पड़ती है। और यहाँ पे देखो जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट है वो देखो अब हमारा आउटपुट जो है 45 से इंक्रीज़ हुआ, 1530 जो था वो प्रीवियस पीरियड में था, करंट पीरियड के अंदर 1575 माइनस 1530, तो यहाँ पे ये 45 आ गया। और टोटल जो हमारी इन्वेस्टमेंट है 315 प्लस 45। और इसी तरह क्या है कि चौथे पीरियड के अंदर देखो हमारी जो आउटपुट है वो है 550 है, और 550 × 3 कितना हो जाएगा, 1650, इसका 1/5 कितना हो जाएगा, 330 यहाँ पे रिप्लेस हो गया, और 1650 में से हमने 1575 निकाल लिए, तो यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट जो है 75 हो जाएगी, 75 प्लस 330 जो है हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। और उसी तरह क्या है फिफ्थ पीरियड के अंदर ये 575 है, 575 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 1725 आ जाता है, इसका 1/5 जो है डेप्रिसिएशन 345, और रिप्लेस इन्वेस्टमेंट भी जो है 345, और यहाँ पे 1725 के अंदर से हमने 1650 माइनस कर दिया तो ये 75 आ गया। तो टोटल जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो 420 आ गई, 345 प्लस 75। उसी तरह सिक्स पीरियड के अंदर जो है हमारी 570 है, कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ नहीं हुई, उतनी है, 17225 है, डेप्रिसिएशन 345 है, तो यहाँ पे भी हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है 345 है। अगले पीरियड के अंदर क्या हो गया कि हमारा आउटपुट जो है 560 हो गया, हमारी कैपिटल यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड जो है 1680 है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन 336 है, और जो हमारी रिप्लेस्ड इन्वेस्टमेंट है वो है 336, लेकिन जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो हमारी माइनस के अंदर है, तो यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है हमारी 291 रह जाएगी।